Assalamualaikum, पाकिस्तान रिएक्शन शो में मैं हूं अलीना तारिक और आज हम जिस मूवी के ट्रेलर पर रिएक्शन देने वाले हैं वो है अंग्रेजी मीडियम, जो कि इरफान खान वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर हैं इंडिया के, उनकी है और इनकी पहले हिंदी मीडियम भी आई थी जो कि इन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर के साथ की थी। बहुत अच्छा लेसन था जो कि सोसाइटी में वाकई इस चीज़ की प्रॉब्लम थी, तो उस चीज़ को फेस कर रहे थे जो माँ बाप हैं, जो इनिशियल लेवल पे कैसे अपने बच्चों को एडमिशन के लिए क्या क्या उन्हें करना पड़ता है और क्या क्या सपोर्ट करना पड़ता है, वो सब कुछ उस मूवी में जो लेसन दिया गया था बताया जाता है। अब इसमें राधिका हैं और करीना कपूर भी हैं, तो देखते हैं इस मूवी में क्या नया कॉन्सेप्ट है और क्या लेसन है सोसाइटी के लिए, तो चलिए देखते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू फेलिसिटेट तारिका बंसल। Good morning, dear principal madam, dear student, dear on top of me. Inside I am very sweet. Emotional and outside I am very happy for my bitiya Tavi. Bas atri angrezi aave hame. आपने मीटिंग के लिए बोला, हमने बुला ली। अब यो बोला आप लोग दारू लेके आ जाओ, मैं चखना लेके आता हूँ। यहाँ चखना डिस्कस करने बैठा हूँ, तो दर डिस्कस करते हैं। आपको वहाँ के फीस का आइडिया है ना? चिंता मत करिए, खून बेच के भी लाऊंगा। खून का तो रेट 200 रुपए पर बॉटल है और लंदन के कॉलेज की फीस 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़? 1 करोड़ फॉरेन कोटा तो पूरा हो चुका है। कोई और तरीका? सीट्स तो है बट ओनली फॉर ब्रिटिश सिटीजन। नाम क्या है तुम्हारा? मैं थोड़ा सा पुलिस वाले को कभी उंगली नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले हमारी ऐसे उंगली करेंगे, कभी नहीं सोचा था यार। एक हफ्ते में पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो सीट किसी और के दे देंगे। सूरज जैसे चमकेंगे, देखे है साडी अखियां ने है सपने। कहां से लाएगा इतने पैसे? 3 करोड़ की तो अपनी औकात नहीं। मुझे लगा आप समझते थे मेरे सपनों को, होती तो समझ पाती। तारीख ऐसा मत बोलो, आदमी का सपना टूट जाता है ना तो आदमी खत्म हो जाता है। पर जहाँ तक मारी बेटी का सवाल है, वह तो तुरफोड यूनिवर्सिटी जाके रही, नहीं तो मैं घसीटे राम टूटन मल को पलट पोता। Can I help you, lads? अंग्रेजी मीडियम कॉन्सेप्ट अच्छा है। जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है इसमें, फादर सपोर्ट, लव, केयर, जो आपकी स्ट्रगल होती है माँ बाप की, पेरेंट्स की, स्पेशली हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे लिए वो जो स्ट्रगल करते हैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के ड्रीम को पूरी करने के लिए, वो स्ट्रगल हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम उस मुकाम पर पहुँचते हैं और वो जब हमें उस मुकाम पर देख के, तब भी उनकी जो खुशी है वो दुगनी होती है। तो पेरेंट्स लव बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा अनमोल है। और इसमें मेरे ख्याल से लड़की की माँ नहीं है और जो फादर है वो सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग की मैं बात करती हूँ, तो वो उसका मेरे ख्याल से कोई अवार्ड सेरेमनी है स्टार्टिंग में बच्चे के स्कूल में, और उसमें वो अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं। आजकल की सोसाइटी में अंग्रेजी बोलना बहुत मुश्किल है, हर एक के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कई लोगों को नहीं आता है, कुछ शाये होते हैं, कई लोगों को अंग्रेजी आती भी है लेकिन वो बोलना मुश्किल हो जाता है और फिर वो इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं। बेसिकली जो अपनी लैंग्वेज से है, हम अंग्रेज़ों की लैंग्वेज में, वो बताया ना उसने कि 200 साल हमें अंग्रेज़ों से अपने मुल्क हासिल करने में लगा और तू 18 साल तक तो यहाँ पे रहे। और जो मैंने चीज़ें ये भी ऑब्ज़र्व की, जो हिंदी मीडियम में पीछे था तो वो स्टार्टिंग में जो प्राइमरी लेवल पर आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं
क्योंकि वो आपकी बेस होती है बच्चे की बनाने के लिए। और अगर उस बेस में आपके बच्चे को अच्छी चीज़ें ना सिखाई जाएं तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी उसमें मैटर करती है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे अगर बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी तो वही चीज़ें उसकी तरबियत में और उसकी हैबिट्स में शामिल हो जाती हैं। और इसमें लड़की बड़ी है और वही चीज़ है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी आ जाती है कि हमारे यहाँ पे शायद एजुकेशन सिस्टम बच्चों को इतना, न्यू जनरेशन को नहीं इतना इम्पैक्ट करता या इम्प्रेस करता कि वो बाहर की यूनिवर्सिटी, अब जाहिर बात है एक लंदन में यूनिवर्सिटीज़ का नाम बहुत अच्छा है तो वो हर एक की डिज़ायर भी होती है कि हम वहाँ जाके पढ़ें, तो उस चीज़ को भी वो दिखाया गया है कि इन चीज़ों को पूरा करने के लिए माँ बाप कैसे कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, किन किन स्टेप से वो गुजर के आते हैं और क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। कभी उम्मीदें टूटती हैं, कभी बनती हैं, कभी फिर जुड़ती हैं, कभी फिर टूटती हैं, तो ये सारे स्टेप दिखाए गए हैं। स्टार्टिंग में ये मूवी जो है वो फ़नी भी है, कॉमेडी भी है, इमोशंस भी हैं, लेसन्स भी हैं, इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन है ये मूवी। और एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी, जब वो लड़की कहती है कि अगर आज मेरी माँ ज़िंदा होती तो मुझे इन चीज़ों को फेस ना करना पड़ता। माँ भी वाकई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इस पूरी फिल्म में जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, फादर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपनी बेटी को, स्ट्रगल उसकी लाइफ को कि वो लंदन जाके पढ़ेगी, चाहे फिर वो अपना मोबाइल, और वो समझ रहे थे कि शायद वहाँ की फ़ीस बहुत कम है, लेकिन फ़ीस ज़ाहिर बात है वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें था कि शायद कम हो, लेकिन ये है कि वो अपनी बेटी के ड्रीम को पूरा करते हैं। और ये भी होता है कि जब बच्चों के ड्रीम पूरे हो जाते हैं तो वो शायद उन स्ट्रगल को भूल जाते हैं जो माँ बाप ने बैक एंड पे वो की थी, और फिर रंगीनियों में खो जाते हैं जैसे मूवी में भी दिखाया है। और करीना कपूर की अगर मैं बात करती हूँ तो शायद वो शायद पुलिस ऑफिसर हैं और जो इल्लीगल या फिर कुछ जैसे वैसे क्राइम होते हैं उस चीज़ को देखे थे, लेकिन रोल इतना मुझे अभी तक करीना कपूर का समझ नहीं आया। इरफान खान वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीरियस एक्टिंग में कमाल है, लेसन देने में कमाल है, इनकी एक्टिंग का हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी है जो जिनके बारे में मैंने सुना है कि हंसते बहुत कम हैं। तो इस मूवी से वाकई जो सोसाइटी में वाकई जो चीज़ें हमारी जो इशू वाकई क्रिएट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं पेरेंट्स को बच्चों को अपने फ्यूचर बिल्डिंग में, अपने कैरियर को बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें उसमें हो जाती हैं। और फिर एक बात ये भी आ जाती है कि बच्चे फिर यहीं पे वहीं पे जॉब करना शुरू हो जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, शायद उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या शायद उनकी डिज़ायरेबल वो चीज़ें नहीं होती। तो मूवी का लेसन अच्छा है, सपोर्टिव है, फादर के लव को दिखाया गया है, स्ट्रगल को दिखाया गया है, उनकी जो पैशनेट हैं वो अपनी बच्ची के, अपने चाइल्ड के ड्रीम को पूरे करने के लिए, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। कॉमेडी है, मैंने पहले भी बताया है, इमोशंस हैं, लेसन हैं, और ये सब चीज़ों का कम्बिनेशन है। तो मार्च में आ रही है ये 2020 मार्च में, और करीना कपूर जो है वो भी इसमें है, डिम्पल कबाड़िया भी हैं इसमें, और भी काफ़ी सपोर्टिव रोल्स हैं। तो बाला ट्रेलर के, बाला मूवी हिस्ट्री और इनके जो हैं डायरेक्टर ने इसे डायरेक्ट किया है, तो वो कुछ ना कुछ कॉमेडी के ज़रिए जो है अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, लेकिन वो मैसेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा डीपली मैसेज होता है, जो कि सोसाइटी को समझ नहीं आ रहा होता। हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं ये चीज़ें, लेकिन सोसाइटी वो समझ नहीं पा रही होती, तो ये अपनी मूवी के ज़रिए अच्छे लेसन देते हैं। मूवी अच्छी जाएगी, इरफान खान की है, हिंदी मीडियम भी अच्छी गई थी और अंग्रेजी मीडियम भी अच्छी ही जाएगी। बेसिकली इंग्लिश का जो है वो मेन मसला है आजकल, एडमिशन के लिए सिर्फ बच्चों को नहीं इंग्लिश बोलनी पड़ती, उनके माँ बाप को भी बोलनी पड़ती है, फिर पता नहीं वो किस तरह से उन सब चीज़ों को कवर करते हैं। ये तो उनकी इनोसेंट भी है, मासूमियत है माँ बाप की वो बड़ी चीज़ों से कि मेरा बच्चा अच्छा लगे या वो अच्छी जगह पर जाए। तो बेस्ट ऑफ लक इरफान खान, करीना कपूर, राधिका जो हैं लड़की जो उनकी बेटी का रोल प्ले कर रही हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एंटायर टीम। और कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा ये रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल पाकिस्तान रिएक्शन शो को कीजिए सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।